नमस्कार प्रेमी जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी अपनी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए और आपको और स्ट्रांग करने के लिए, खास तौर से ज्योतिषी आधार पर आपकी अपनी जीवन को मजबूती देने के लिए। ज्योतिष आपके अपने जीवन को हर बार सुसज्जित करती है, चमकाती है, बनाती है और सुव्यवस्थित करती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का साधन क्रिएट करती है। आप जो भी चाहें उस चीज़ को बनाने में सहायक सिद्ध होती है। उस सब्जेक्ट, उस विषय, उस व्यवस्था का नाम ज्योतिष है। और इस प्लेटफॉर्म यानी लव्यद एस्ट्रोलॉजी पर आपका बहुत स्वागत है। मैं आज बात कर रहा हूँ पंचम हाउस पर। आज हमारी चर्चा एक ऐसे संदर्भ पर है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में पहला प्रेम माँ से होता है, पहला प्रेम माँ पता चलती है, पहला गुरु, पहला प्रेमी, पहला प्रेमिका, सब कुछ जो भी कुछ है वो अपनी माँ है, क्योंकि उसके उसके द्वारा ये पता चलता है कि प्रेम होता क्या है। पर जिन स्त्रियों को माँ का सुख नहीं मिल रहा हो, जिन दंपतियों को उनके घर में संतान सुख नहीं मिल रहा हो, उनके लिए बड़ी विडंबना है, बहुत दुख का कारण है। ये फिफ्थ हाउस और पंचम हाउस से संबंध रखने वाली बात है। और आपके हाथ में ठीक नीचे वाले पोर्शन की, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा का सारा, इससे आपको पता चलता है कि आपके संतान होंगे नहीं होंगे, होंगे तो क्या होंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि संतान का सुख अगर नहीं हो तो क्या किया जा सकता है, कैसे ये पता किया जा सकता है कि संतान सुख नहीं है। अब बात समझिएगा, ये बहुत पीड़ादायक बात है। आपका अपना बच्चा जब आपको उठकर मम्मी या पापा कहता है ना, सच मानना, ये उनको पता चलेगा जो लोग सच में माँ बाप बन चुके हैं। बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अंदर से आनंद आता है। और जिनको इस व्यवस्था का अभी तक लाभ नहीं मिला, उनके लिए सच में जीवन नरक है। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि आज मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच में अंदर से पीड़ादायक बात है। क्या करना उस संपत्ति का, क्या करना उन व्यवस्थाओं का, क्यों कमाना, क्यों बड़ा करना, क्यों कुछ व्यवस्थाओं को बना करके रखना। मेरे एक जानने वाले सज्जन हैं, उनको एक ही संतान थी और वो भी मेरे एक जानने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक ही संतान थी और वो भी ईश्वर की विडंबना देखिए, परिस्थितियां देखिए, उनके ग्रह नक्षत्रों की। मैंने उनको पूर्व से कहा कि इसको कुछ तकलीफ होने वाली है, इसकी आयु में संकट दिखता है। उन्होंने बोला मैं ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता। और कुछ दिनों बाद उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। सच में हृदय दुखता है, ऐसी चीज़ें देखने का भी मन नहीं करता, पर अभी कुछ दिखे ऐसा तो बताने का तो फर्ज बनता है ना। आज सब कुछ है उनके पास, पर उनका बालक, उनका शिशु नहीं है उनके साथ। आज उस पीड़ा को वो समझ सकते हैं। अब वो दोबारा माँ बाप नहीं बन सकते क्योंकि उनकी आयु हो चुकी है। पर जो बच्चे माँ बाप बन सकते हैं, जिनके जीवन में सच में ये है अभी पीड़ा और ये रिक्तता है, उसको ज्योतिष भर सकता है। ये बड़ा संसाधन है और ये आज से नहीं, आदिकाल से है। राजा दशरथ को भी संतान नहीं थी, वो अपने गुरुजी के पास गए, हाथ जोड़ा, निवेदन किया, गुरुजी मुझे बच्चा नहीं है, कुछ करो ना आप। तो गुरुजी ने बोला कि भाई तुम्हारे हाथ में साफ साफ दिखता है, धरहु धीर हुई है सुत चारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, दिखता है तुम्हारे साथ में संतान होना। बोले गुरुजी देखो सब बात बात में, मुझे तो अभी चाहिए ये। गुरु की ऐसी कृपा करुणा हुई उनके ऊपर, एक यज्ञ कराया उन्होंने जिसका नाम था पुत्रेष्ठी यज्ञ, और उनके घर संतान हुई, चार बालक हुए यज्ञ के प्रसाद से। तो ज्योतिष कहता है कि यह व्यवस्था हो सकती है, ज्योतिष मानता है कि ऐसा किया जा सकता है। अगर आपका पंचमेश बाधित है, अगर आपका पंचमेश ठीक नहीं है, अगर आपका फिफ्थ हाउस का मालिक ठीक नहीं है, फिफ्थ और नौम का संबंध ठीक नहीं है, फिफ्थ और एकादश का संबंध ठीक नहीं है, फिफ्थ का लग्नेश के साथ कनेक्शन ठीक नहीं है, तो संतान में दिक्कत आएगी, संतान सुख नहीं देगी। या तो संतान होगी नहीं और होगी तो सुख नहीं देगी। और ये दोनों चीजों का तालमेल बनाने का सबसे बड़ा साधन ज्योतिष है। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ,
इसका संसाधन है। कौन कहता है IVF कराना चाहिए? अब देखो मैं डॉक्टरों से बैर ले रहा हूँ, साथ देना हमारा। कौन कहता है IVF में बहुत सारे पैसे खर्च करने चाहिए, IVF कराना चाहिए? ये जितनी भी चीज़ें हैं क्या शत प्रतिशत हो सकती हैं? ज्योतिष में हाँ हो सकती हैं, पर शत प्रतिशत इसलिए नहीं क्योंकि जब तक आपकी उस रिपोर्ट पर बात नहीं की जाएगी, जब तक उसका पर रिसर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि संदर्भ तुम्हारा है, तुम्हें जूझना पड़ेगा इसके लिए, तुम्हें लगना पड़ेगा, ये काम आपका है ना, ये आपकी अपनी व्यवस्था है ना। हम तो रास्ता बता सकते हैं, करना तो तुम्हें ही है, अगर तुमने उस तरीके से कर लिया तो ये होगा। जिन लोगों के कुल में कोई दिक्कत है, कुल परंपरा में कोई ऐसी अव्यवस्था है, आपके कुंडली में पितृ दोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक जगन्य दोष अगर है, ऐसी किसी भी दोष से अगर आप पीड़ित हो, संतान पक्ष खराब होगा, अन्नदान करो, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, ठीक हो जाएगा। तीर्थाटन करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, वैजंती की जितनी ज्यादा हो सके मालाएं दान करो, वैजंती की माला से पुत्रेष्टि मंत्र का जाप करो, संतान गोपाल का पाठ करो, और किसी विज्ञ आचार्य से अपनी कुंडली का निरीक्षण करा करके इस पर काम करो। विश्वास मानना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस छोटी सी चर्चा में इतना कुछ बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक होप डेफिनेटली देता हूं कि पंचम हाउस को मजबूत करके संतान का सुख पाया जा सकता है। संतान नहीं हो रही तो भी, संतान खराब हो रही तो भी, संतान बात नहीं मान रही तो भी, संतान आपके हिसाब से नहीं चल रही तो भी, और संतान सक्सेस नहीं हो रही तो भी, ये सब फिफ्थ हाउस का संबंध है। तो अगर आपके आसपास कोई इससे पीड़ित है, ऐसी कोई अव्यवस्था है, तो इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस कोशिश करें कि धर्म लाभ हो सके और इस धर्म में आगे से आगे लोगों को इस चीज का बेनिफिट दिलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा को सुना, समझा, माना, और जानेंगे तो ही है, बहुत वर्ष हो गए इस बात को कहते कहते कि मैं जो कहता हूँ वो होता ही है, मालिक की कृपा है इस पर। जय शंभुनाथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694 0